बिल्कुल फाइनल डेट है ये, हम 8 जून को ही रिलीज करेंगे और 1% भी कोई संदेह वाली बात नहीं। तो ये पहले भी आपने कहा था सर कि 600 सिनेमा थिएटर में लगने जा रही है? नहीं, हमने कोई क्वांटिटी आपको अगर बताई थी वो 1000 से 1500 ही बताई थी और उसी में हम आज भी वो करने वाले हैं। 1000 से 1200-1500 का हमारा टारगेट है और हम इतने में ही करेंगे रिलीज। क्या लग रहा है आपको बेनिफिट होगा वेकेशन का जो चल रहा है, छुट्टियां चल रही है? डेफिनेटली बेनिफिट होगा, कोई संदेह वाली बात आप कीजिए ही मत, 100% बेनिफिट होगा। इसीलिए तो हम लोग ने ये डेट चुना हुआ है, बच्चों की छुट्टी हुई है और बच्चों की तो मानते हैं। मतलब आपने जो फरवरी में डिसाइड किया था तो वो चूक या गलती थी आपकी? नहीं, कोई गलती नहीं थी, बट हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से जो सुधार की गई है वो सही किया गया है। पता चला क्या था वो टेक्निकल, वो आपको हम नहीं शेयर कर सकते ना, हर चीज नहीं बताई जाती। अरे सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये फिल्म आपका एक सपना है जो अब फिल्म की शक्ल ले चुका है और बहुत जल्द दर्शकों के बीच होगा जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा आपको भी, हमें भी या फिर दर्शकों को भी जी, और आपके पैसे भी उतने ही उसमें आए थे, अगर फिल्म रिलीज हो गई होती तो पैसे आ जाते हैं। दो चीजें हैं, एक प्रोड्यूसर के एंगल से और एक फैन के एंगल से, आप बताइए कि क्या फिल्म की रिलीज का डिले होना असल में नुकसानदायक नहीं था? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि जो चीज़ें टाइम से करी जाएंगी तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, बट ऐसा हमारा ज़्यादा डिले भी नहीं हुआ कि उसको लेकर के बहुत सारा लॉस हो गया है, क्योंकि मूवियाँ तो आपको दो दो तीन तीन सालों में भी रिलीज होती हैं, ऐसा नहीं कि 2017 में जो जितनी भी मूवी शूट हुई थी वो रिलीज हो गई हो, तो ये तो कॉमन बात है, बड़ी बड़ी मूवियों का भी आगे पीछे होता है ये डेट। मैं जब मुझे याद है जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब मैं इसे अटेंड करने गया था तो बात मुझे उसमें वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और दिन पे दिन आपको बड़ा ही दिखेगा, वो छोटा नहीं दिखेगा। इंद्र कुमार साहब नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है और दुख तो जरूर होगा उनका, लेकिन उनकी कमी को कैसे भरा जाए या फिर क्या कहते हैं? देखिए, इंद्र कुमार जी के आत्म शांति के लिए पहले मैं निवेदन करूंगा कि वो जहाँ भी हैं वो उनकी आत्मा को शांति मिले, और जब कोई भी क्षति होती है उसको कोई पूरी नहीं कर सकता है ये, और ये जो स्वर्गवास का उनका सवाल है तो एक ना एक दिन सबके साथ में ऐसा होता ही है, सबका होगा, और हम क्षति को आज आपके साथ में यहाँ बैठे हैं, अपने अथक प्रयासों के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि उनकी ये लास्ट मूवी है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाघरों में दिखाएँ और उनको देख करके जो उनके फैंस हैं उनको थैंकफुल बोलें।